गाइस आईफोन एक्स के फीचर्स या फिर गेस्चर्स जो है हम अपने आईफोन 5S, 6 और 6 प्लस के डिवाइस में कैसे इनेबल एंड यूज़ कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हमारे पास जो है सिर्फ और सिर्फ आईफोन 6 है, बट गाइस अगर आप गौर करें तो हमें जो यहाँ पे आईफोन एक्स के फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। देख सकते हैं गाइस कितनी ही स्मूथली तरीके से यहाँ पे गाइस मेरा जो डिवाइस है टोटली एक आईफोन एक्स की तरह जो है परफॉर्म कर रहा है। देख सकते हैं गाइस, मैं जो है यहाँ पे कोई भी एप्लीकेशन ओपन करता हूँ, जस्ट मुझे क्लोज करने के लिए उसे बस स्वाइप अप करना है। फॉर एग्जाम्पल इस एप्लीकेशन को ले लेते हैं, कोई भी एप्लीकेशन गाइस आप देख सकते हैं। एंड यस गाइस, अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे को सारी की सारी एप्लीकेशन बैकग्राउंड वाली दिख जाए जो मैंने ओपन की है, देख सकते हैं गाइस मैंने जस्ट स्वाइप अप किया एंड होल्ड डाउन किया 2 सेकंड, उसके बाद गाइस देख सकते हैं कितनी ही बहुत ही अच्छी तरीके से जो है सारी एप्लीकेशन मेरे को देखने को मिल जाती हैं। अब बात कर लेते हैं गाइस कैसे जो है ये आप अपने आईफोन में बिना किसी लैपटॉप या कंप्यूटर के जो है इनेबल कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको कोई भी लैपटॉप या पीसी की जरूरत नहीं है, जस्ट आप जो है सिंपल ही तरीके से इसे आप इनेबल कर सकते हैं। गाइस ये जो है फीचर्स मैं आपको बताऊंगा बहुत ही सही लगते हैं, आपकी परफॉर्मेंस काफी इंक्रीज कर देंगे। अगर आप इसको यूज करेंगे तो आपको लगेगा कि मैं जो है एक आईफोन 5S या फिर 6 या फिर 6 प्लस नहीं, बल्कि मैं तो एक जो है आईफोन एक्स की गेस्चर या फिर कह लें मैं तो एक आईफोन एक्स जो है यूज़ कर रहा हूँ। देख सकते हैं गाइस यहाँ पे जो है मेरे को फॉर एग्जांपल कंट्रोल पैनल देखना है तो मैं जो है सिर्फ स्वाइप डाउन करता हूँ राइट कॉर्नर से। देख सकते हैं गाइस कितनी ही अच्छी तरीके से जो है हमें यहाँ पे कंट्रोल पैनल देखने को मिल जाता है। बात करते हैं कैसे जो है आप इसे इनेबल कर सकते हैं अपने डिवाइस में, तो चलिए गाइस वीडियो शुरू करते हैं। यस गाइस मेक श्योर करें कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। यस गाइस, आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, किससे रिलेटेड चाहिए, प्लीज़ आप हमें कमेंट्स में बताएं। आपको कोई भी एप्लीकेशन में एरर है, आपके डिवाइस में कोई एरर है, कोई आईफोन में रिलेटेड कुछ भी गाइस आपको एरर आती है, प्लीज़ आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। आपको डेफिनेटली उस टॉपिक पे वीडियो मिलेंगी, पर्टिकुलर टॉपिक पे आपको वीडियो मिल जाएंगी राइट गाइस। तो चलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। शुरू करते हैं यहाँ पे गाइस कैसे जो है इसको हमने इनेबल करना है। दोस्तों इसके लिए आपको क्या करना है, मैंने आपको बताया है कि बिना किसी लैपटॉप या कंप्यूटर के आप इसको इनेबल कर सकते हो। एंड यहाँ पे गाइस आपको जो है एक चीज़ क्लियर कर दूँ, अगर फॉर एग्जांपल आपका जो आईफोन का होम बटन काम नहीं कर रहा है तो ये गाइस जो मैं आपको फीचर्स बताने वाला हूँ ये आप अगर इनेबल करते हैं तो आपको होम बटन को प्रेस करने की जरूरत ही नहीं है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आपको यहाँ पे बहुत ही बिंदास तरीके से आप इसको यूज़ करेंगे। लुक लाइक गाइस काफ़ी बढ़िया लगेगा, स्मूथनेस तो गाइस कोई इसका एंड गाइस स्मूथनेस तो गाइस इसका कोई लेवल ही नहीं है। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही हैवी लेवल की आपको जो है इसमें स्मूथनेस देखने को मिलेगी आप जब इसको इनेबल कर लेंगे अपने डिवाइस में। चलिए अब बात कर लेते हैं कैसे जो है आपने इसे इनेबल करना है अपने आईफोन 5S में या फिर आपके पास एक चाहे आईफोन 6 है, चाहे आप आईफोन 6 प्लस के यूज़र हैं, कोई भी आप इसे इनेबल कर सकते हैं। इसके लिए गाइस क्या करना है, आपको सिंपली चले जाना है अपने सीलियो एप्लीकेशन पर। अब गाइस बात कर लेते हैं सीलियो क्या है। गाइस आपको जो अपने आईफोन को जेलब्रेक करना है, अब गाइस मैं बताता हूँ आपको जो है मैंने आपको विदाउट लैपटॉप या पीसी किस लिए कहा है, क्योंकि गाइस मैं जो है आपको एक इवनिंग में वीडियो अपलोड कर दूंगा कैसे जो अपने आईफोन को बिना किसी लैपटॉप या पीसी के जेलब्रेक कर सकते हैं गाइस काइंडमेरा एप्लीकेशन की। तो गाइस आप वेट करें, मैं जो है इवनिंग में वीडियो अपलोड कर दूंगा, उसको वॉच कर लें एंड उसका वॉच कर लें जिसमें गाइस मैं आपको बताऊंगा कि कैसे जो आप बिना किसी लैपटॉप या पीसी के जेलब्रेक कर सकते हैं आईफोन को एंड आपको जो सीडियो देखने को मिल जाएगा। गाइस मैंने जो है पहले सीडिया बताया था, आप सीडियो गाइस नेम दोनों के डिफरेंट है बट काम दोनों के एक ही है। क्या करना है आपको, सीडियो को ओपन करना है, यहाँ पे सर्च बार पे जाना है एंड यहाँ पे गाइस आपने सर्च कर देना है नेपट्यून फॉर आईफोन। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे आपको सर्च करना है नेपट्यून फॉर आईफोन, तो इतना गाइस हम यहाँ पे जो है सर्च कर देते हैं एंड सर्च पे क्लिक करते हैं गाइस यहाँ पे। तो जैसा कि दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमें जो है सर्च करने के पहले नंबर पे एक ट्विक देखने को मिल गई, यहाँ पे क्लिक करें मॉडिफाई पे एंड यहाँ पे गाइस मे भी आपको जो है कुछ यहाँ पे क्विक जो ऐसा कुछ देखने को मिलेगा क्विक या फिर कुछ भी, तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे ये जो पहले बफरिंग होकर जो है इंस्टॉल हो जाएगा, डाउनलोड हो जाएगा। फिर यहाँ पे आपको जो इंस्टॉल का बटन देखने को मिलेगा, मेरे में गाइस यहाँ पे जो है अब दिखाता हूँ गाइस मैंने इसको अनइंस्टॉल कर दिया। अब गाइस यहाँ पे कंफर्म पे जाता हूँ, आप देख सकते हो मैंने जो है इसको दोबारा से इंस्टॉल करने पे लगा दिया है। देख सकते हैं यहाँ पे जो है इतना करने के बाद यहाँ पे सिंपली आपने रीस्टार्ट स्प्रिंग बोर्ड पे क्लिक करना है एंड तो जैसा कि दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे हमारा डिवाइस ऑटो रीस्टार्ट हुआ उसके बाद हमें जो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको मैं चेक करा देता हूँ, ये देख सकते हैं गाइस हमें जो यहाँ पे एक स्टिक बार देखने को मिल जाती है। यहाँ पे आप सेंटर में देखिए, यहाँ पे हमें एक कंट्रोल पैनल के जो है यहाँ पे आप स्टिक बार देखने को मिल जाती है। अब गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं हमें जो है आईफोन एक्स के गेस्चर देखने को मिल गए हैं। तो गाइस वीडियो का जो है मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा इवनिंग में इसी चैनल पर कि कैसे जो है आप अपने आईफोन को बिना किसी लैपटॉप या पीसी के जेलब्रेक कर सकते हैं। बेसिकली मैंने जो है काइंडमेरा मेथड बताया है, तो आपने उस वीडियो को वॉच कर लेना है, इजीली आपने अपने आईफोन को जेलब्रेक कर लेना है। तो इस तरीके से गाइस आपने जो इसको इनेबल कर सकते हैं बहुत ही सही लगते हैं एंड इन्जॉय कर सकते हैं अपने इस फीचर्स को अपने आईफोन डिवाइस में राइट। तो चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, प्लीज गाइस मेक श्योर करें चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू गाइस, थैंक यू।